कोटा में एमबीएस संविदा कर्मियों को समय पर वेतन नहीं मिलने से संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करने पर मजबूर हो गए। एमबीएस अस्पताल अधीक्षक के कक्ष में जाकर संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांग रखी। वेतन बढ़ोतरी व समय पर वेतन नहीं मिलने पाने से संविदा कर्मचारियों के हालात खराब हो चुके हैं। कई बार मांग करने के बावजूद भी संविदा कर्मचारियों को परेशानी से निजात नहीं मिल पाया। संविदा कर्मचारियों ने बताया कि अस्पताल में विभिन्न पदों पर लगभग 400 कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनको समय पर वेतन नहीं मिल पाता। ये सभी संविदा कर्मचारी, आपको बता दें, अब हड़ताल करने की चेतावनी दे रहे हैं और साथ ही इन्होंने मजबूरन इस कदम को उठाया। मैं ज्ञापन दिया तो सर का ये कहना था कि आप हमारी अंडर में नहीं आते हो और आप अपने कॉन्ट्रेक्टर से बात करो, जो कि बहुत एक निराशाजनक जवाब था उनका। और हमें बहुत दुख हुआ कि उन्होंने ऐसा कहा, क्योंकि जब भी हमें कोई हमारी कोई स्ट्राइक होती है, कोई एक्शन लिया जाता है, तो उनके रूल और रेगुलेशन लागू होते हैं, जो कि उसके अंतर्गत तो हम उनके अंडर में आ जाते हैं, लेकिन जब हमारे हक की बात आती है तो वो साफ मना करते हैं। जी, जैसा कि दिलीप संगोर जी ने बताया कि हम आगे पहले एक सभा रखेंगे और उसके बाद अगर हमारा समाधान नहीं हुआ तो हम अनिश्चितकालीन।